और क्या सवाल? अब नॉर्मल क्वेश्चन है कि हम लोग इतने दिन बाद मिले तो हमसे मिल के आपको कैसा लगा? हाँ, मैं तो आंखें खुली की खुली रह गई आज दरवाजे पे. मैं सो रहा था, सच बताऊँ ना तो मेरे बाल देख सकते नहीं, हो. मैं हाँ, हमको आए मतलब 10 मिनट तक हाँ, हमने बाहर वेट किया, मम्मी को आवाज लगाई, कॉल किया, कॉल भी किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ, आवाज लगाई, आवाज कोई रिसीव. भैया का कहना है कि मम्मा आ रहे हैं, मम्मा आ रहे हैं. बाहर ही खड़े हैं. ये एक्चुअली ना ये टाइम होता है मेरे सोने का, क्योंकि यार मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, 5:30 6, पहले 4 बजे उठता था, अभी रूटीन बदल गया थोड़ा सा, तबीयत खराब थी ना मेरी, तो मैं 4 बजे उठता हूँ, उठता था सॉरी 5-6 बजे उठता हूँ. उठने के बाद ये जिम वगैरह जाना, जिम से आना, नहाना, पूजा वगैरह करना, उसके बाद मैं सोता हूँ, फिर 1 या 2 बजे तक सोता हूँ, उसके बाद अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ, वीडियो शूट पे जाना. और अभी गर्मी इतनी ना गाइस, मेरी हालत ख़राब हो जाती है इतनी गर्मी, और इतनी गर्मी में तुम्हारा भाई जैकेट पहनता है. आप जो एक वीडियो शूट करते हो, मतलब एक वीडियो बनाते हो जो मात्र 10 से 15 सेकंड की जो वीडियो रहती है, तो उसमें प्रैक्टिस कितने टाइम तक करते हो? यार टाइम लगता है आपको वीडियो? देखो यार, वो है ना सॉन्ग पे और स्टेप्स पे डिपेंड करता है. सबसे ज्यादा डिपेंड करता है सॉन्ग पे, क्योंकि सॉन्ग की बीट्स कैसे हैं, थोड़ा लो बीट है, हाई बीट है. अगर ज़्यादा मतलब एक तड़क भड़क होता है ना, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, तो उस पर स्टेप्स भी वैसे बनाने पड़ते हैं. तो उसको सीखने के लिए 1-2 घंटा 2-3 घंटा, कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है. माइंड में आती नहीं क्या करे तो क्या करे, करे तो क्या करे. यहाँ पर आप जो मतलब जब स्टेप तैयार करते हो, जो प्रैक्टिस करते हो आप उस चीज़ की, प्रिपेयर करते हो सॉन्ग को, मतलब वीडियो को, तो उस वक्त आप क्या चाहते हो, एक ही रील बनाओ या एक से ज़्यादा जब आपको अपलोड करने का रहता है तो? रिपीट करना मतलब सॉन्ग को. कहने का मतलब ये है कि आप जो रील अपलोड करते हो, तो आप एक ही वीडियो बनाना चाहोगे एक दिन में या कुछ ज़्यादा, 2-3-4-5? मैं कोशिश करता हूँ कि 3 अपलोड करूँ डेली, लेकिन नहीं हो पाती है. कल भी 2 ही आई. हाँ, कल भी 2 ही आई. उसको यार एक तो प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, और गर्मी इतनी है कि नहीं हो पाता. सही है, सच कहूँ ना नहीं हो पाता. एक तो बहुत हेवी कपड़े होते हैं, फिर गर्मी में आपको स्टेप्स करने हैं डांस के. अब आप है ना थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हाथ भी चलाओगे ना तो आपको पसीने आ जाएंगे, ऐसी हाल है. अभी बैठे बैठे पसीने आते हैं यार. हेवी मतलब सुन लेना ना, जो 10 लाख वाली जो बात हुई थी समझ जाना है ना, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है. मैं कोशिश करता हूँ 3 बनाऊँ, इसलिए 1 या 2 वीडियो मेरे डांस के होते हैं, 1 लिपसिंग के होते हैं, कभी कभी 3 वीडियो डांस के होते हैं. एक और कि मैंने बहुत सी बार देखा है कि आपकी वीडियो नाइट में ही अपलोड होती है, तो इसका रीज़न ये है कि शूट भी तो 5:30-6 बजे होती है. 5:30-6 बजे शूट होके उसके बाद मैं घर आता हूँ, घर आने में 15-20 मिनट आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करता हूँ. जो मेरा डेली शेड्यूल है, जो भी खाने पीने की चीज़ें मैं खाता हूँ, उसके बाद आराम से अपलोड करता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर रिप्लाई करता हूँ. पहले आती थी 11-12 बजे तक. 12 बजे तो कहीं आप जो नाइट को वीडियो अपलोड कर रहे हो हाँ. तो वो कुछ ज़्यादा रीच पकड़ती है या जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करते हो वो ज़्यादा रीच पकड़ती है? रीच में कौन सी ज़्यादा जाती है बेहतर? रीच से ऑडियंस को क्या मतलब, वो उनको थोड़ी समझ में आई ये बात. हाँ, ये बात तो सही. जो आपकी जो वीडियो हिट हुई थी, जो फर्स्ट टाइम जो आपकी पहली वीडियो जो हिट हुई थी, वो आपने कब अपलोड की थी, नाइट या मॉर्निंग में? इससे क्या है कि जो वीडियो बनाते हैं ऑडियंस में भी है, बहुत से जने जो वीडियो बनाते हैं ये भी चाहते हैं हम भी सोशल मीडिया पर काम करें. देखो तो मेरा है ना बता रहे हैं. मेरा ऐसा है कि मैं कभी यूँ सोच के नहीं अपलोड किया कि इस टाइम में अपलोड कर दूँ तो ज़्यादा रीच होती है या फिर उस टाइम कम होती है. मेरा स्टार्टिंग से जब मैं टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाता था तो मेरा वही रूटीन है. मैं शाम को ही वीडियो शूट पर निकलता हूँ, 5:30-6 बजे या 4-5 बजे निकल के वहाँ से 6-7 तक बनाया. बनाने के बाद 1.5 घंटे के बाद मैंने अपलोड कर दिया. मेरा स्टार्टिंग से ही शेड्यूल है, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं शाम को ही अपलोड करूं या फिर इतनी बजे ही मैं अपलोड करूं. और अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप देखते हो इस चीज़ को, तो शाम का टाइम अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि सुबह से शाम तक कुछ कोई अगर बच्चे आपको देखते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह से शाम, और रात के टाइम में फ्री होते हैं, फ्री हो जाते हैं. जो काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, वो भी शाम को ही फ्री होते हैं. तो सब लोग जो है ना शाम को ही फ्री होते हैं, शाम का उनके पास टाइम होता है. 6 से 9 के बीच अगर आप अपलोड करो तो वो बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल से.
ये इसका जवाब है। थक गए और बचा और बचा कुछ ज्यादा टाइम हो गया। सो तुम बोलोगे मैं बोलूं? आप बोलो बेहतर रहेगा। भाई का चैनल है? भाई का नहीं, भाई का नहीं, आपकी बहन का है। आपकी बहन कहां पर है? हां काफी मजा आया, इतने सारे सवाल किए, इतना तो मेरे सर ने भी नहीं किया था स्कूल में। सच्ची यार बहुत सवाल हो गए आज, लेकिन मजा आया। करने का रीजन बताता हूं, काफी टाइम बाद मिला मैं खुद 2 महीने बाद। ठीक है, सम्राट भैया तो और भी मिलते रहते थे, बाकी एक इनका काफी टाइम से कॉल भी आता था मेरे पास कि चलते अपन मिलने के लिए, बाकी मैं जो हॉस्पिटल की वजह से कुछ बिजी रहता हूँ जैसे टाइम नहीं मिलता था आने का, तो उसकी वजह से तो आज मिला इतने दिन बाद, तो मैंने इतने क्वेश्चन किए काफी टाइम के बाद। काफी टाइम बाद मिला, रास्ते में मिले हैं, बाकी वो चलते रहते रास्ते चलते रास्ते का कोई माहौल नहीं रहता, नॉर्मल खूब से खूब 1 या 2 मिनट बस। 1 मिलियन के बाद ये आज मिल रहे अच्छे से। हाँ, अच्छे से 1 मिलियन हाँ। के बाद तो मैं बीच में शायद बीच में मिले थे वो गिफ्ट्स आए थे तो नहीं मैं आया नहीं। था तो हाँ। तो ठीक है गाइस, ये थी हमारी आज की इतनी लंबी बातचीत जो कि मैंने पहले कभी नहीं की। और उम्मीद है, उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ जो सवाल आपके मन में होंगे वो इन्होंने पूछे हैं मुझसे और मैंने उनके बखूबी जवाब दिए हैं, और अगर कुछ सवाल हो तो पूछते रहना, हम लोग बताते रहेंगे। कम पूछना है, कम पूछना, कम पूछना, 4-5 सवाल इस बार कुछ ज्यादा हो गए थे तो ठीक है, ज्यादा इसलिए हो गए कि टाइम भी तो ज्यादा हो गया था। सो खत्म करते हैं आज इस वीडियो को, पसंद आया तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप और सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाइयों का चैनल है, अपने भाई का चैनल है, और सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।